दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपका भी सीएससी आईडी अभी तक अंडर रिव्यू में है, अभी अप्रूव नहीं हो चुका है, तो आज इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप करके बताऊंगा जिस स्टेप को फॉलो करके आप अपने सीएससी आईडी को अप्रूव करा सकते हो बड़ी आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप जिसके थ्रू आप अपने सीएससी आईडी को अप्रूव करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। सीएससी रजिस्ट्रेशन टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है सीएससी रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको ईमेल एड्रेस हो रहा होगा helpdesk@csc.gov.in। तो दोस्तों आपको इस ईमेल एड्रेस पर आपके जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस हुआ जिसको आप रजिस्ट्रेशन के वक्त किए होंगे, अपना खुद का ईमेल एड्रेस, आपको उस ईमेल एड्रेस से आपको helpdesk@csc.gov.in पर आपको ईमेल करने हैं सीएससी वाले को। ईमेल में आपको क्या लिखना है, चलिए आज इस वीडियो में आपको वो भी फॉर्मेट बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको वहाँ पे फॉर्मेट में ये आपको लिखना है कि डियर सर या मैडम, रिक्वेस्टेड फॉर माय रेफरेंस आईडी अप्रूव विद यू रिस्पेक्ट सर, आई हैव ओपन एन अकाउंट इन सीएससी, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू सर टू अप्रूव माय सीएससी एप्लीकेशन, प्लीज काइंडली डू एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम, आधार नंबर, टीसी नंबर, जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, एप्लीकेशन नंबर, जो रेफरेंस नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। दोस्तों आपको ये फिलअप करके आपको सिंपली इस ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। इसके ईमेल एड्रेस मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये था दोस्तों। और सेकेंड स्टेप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक आपको हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा होगा, तो दोस्तों आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप उनसे बता सकते हैं कि मेरा सी एस सी आई डी अभी तक अंडर रिव्यू में है, तो मुझे अप्रूव कर दिया जाए कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ बता दिया जाएगा सेकेंड स्टेप ये। दोस्तों अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपली बैंक में जा कर दिया जाना है, उस पर सर्च करना है, देन उसके बाद यहाँ पे सी एस सी बैंकिंग पे क्लिक करना है, नो करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट एक्सेस हो रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक कर लेना है, आपके जो भी स्टेट है वहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, देन उसके बाद यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर शो हो रहा है, तो आप उनको ईमेल एड्रेस या मोबाइल पे कॉल करके आप उनसे अप्रूव करा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।